press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोह मोह के धागे गाने से प्रसिद्ध हुए अस्मिक गायक पपोन का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वे एक बच्ची को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बच्ची उस शो की प्रतिभागी है जिसमें पपोन जज की भूमिका में है। बच्ची को किस करने का वीडियो वायरल होने के बाद इस अस्मिक गायक की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पपोन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस वीडियो में पपोन प्रतिभागी को रंग लगाते और किस करते हुए दिख रहे हैं। यह बच्ची रियलिटी शो द वॉइस इंडिया किड्स में हिस्सा लेने आई थी, तभी पपोन ने इसे किस कर लिया। शूटिंग के दौरान पपोन काफी बच्चों के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पपोन ने एक बच्ची को जबरन किस करने की कोशिश की और ये सीन फेसबुक लाइव वीडियो में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद हर कोई पपोन की आलोचना कर रहा है। फेसबुक लाइव का ये वीडियो होली स्पेशल एपिसोड की शूटिंग के दौरान किया गया, जिसमें पपोन शो के बच्चों के साथ वैनिटी वैन में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे। उनके फेसबुक पेज पर इसका लाइव वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पपोन बच्चों के साथ होली के जश्न में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में शो की एक बच्ची को पपोन गलत तरीके से किस करते हैं, जिसके तुरंत बाद वह टीम को फेसबुक लाइव बंद करने का आदेश देते हैं। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रूना भुयान ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में पपोन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि पपोन का एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हैरत में डालने वाला है। उन्होंने रियलिटी शो में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।